अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 22 तारीख से जो शुरू हुआ था कित्तूर उत्सव, आज अख्ततम पजीर हो रहा है। आज वजीर आला भी यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं, कई सारे यहाँ पर रियासती लीडर भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और आज बिल्कुल अख्ततम पजीर होने को जा रहा है। तो यहाँ पर हम आए हैं और यहाँ के जो भी यहाँ की सरगर्मियाँ हैं वो आपके सामने दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3 दिन से वीरानी कित्तूर चन्नम्मा के 200 साल पूरे होने से विजय उत्सव मनाया जा रहा है कित्तूर में। हमारे कित्तूर के शासक हमारे दोस्त बाबा साहेब पाटिल, इनकी अध्यक्षता में बहुत अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं और साथ ही साथ हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि हर साल बेलगाम में करते थे और कित्तूर में करते थे, ये साल बेलगाम में भी कुछ कीजिए करके। तो परसों रोज बेलगाम में भी एक कल्चरल प्रोग्राम रखा था, वहाँ पे भी अच्छा अटेंडेंस हुआ है। पूरे बेलगाम के हमारे जो कलाकार थे अपना प्रदर्शन दिखे, बाहर से भी कलाकार आए थे, माहौल जश्न का है। और जो वीर कित्तूर चन्नम्मा ने जो 200 साल पहले किए थे, आज उसको सब याद कर रहे हैं उनकी वीरता। और ये सबसे पहले थे इस बाग में जो स्वतंत्र के लिए लड़े थे, ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे। और ऐसे देखे जाएंगे तो पूरे माहौल एक त्योहार की तरह माना जा रहा है। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले सर एक सवाल आखिरी कि संगोली रायन्ना स्वतंत्र सेनानी रहे, कित्तूर चन्नम्मा भी अंग्रेजों के साथ लड़ती रहे, लेकिन तमाम के बीच में पहले मुजाहिद आजादी टीपू सुल्तान को कहीं तो भूलते नजर आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? जैसे उत्तर कर्नाटक के हमारे कित्तूर चिबिरानी कित्तूर चन्नम्मा है, ऐसे ही साउथ कर्नाटक के हमारे शहीद उन्होंने भी जंग की थी ब्रिटिश के खिलाफ, और ऐसे ही जश्न वहां पे भी मनाया जाए और सभी तरफ राज्य में मनाया जाए, ये भी हमारी दरखास्त है। हमारे साथ यहाँ कित्तूर के एमएलए बाबा साहब पाटिल हमारे साथ मौजूद हैं। अभी मैं आपको सुन रहा था सर, कित्तूर उत्सव बड़ी शान के साथ मनाया गया, 3 दिन हुए, आज वजीर आला सिद्धरामैया भी यहाँ पर तशरीफ ला रहे, कई सारे प्रोग्राम, और इसके पीछे यही मकसद है कि देशभक्ति लोगों में जाग जाए। इसी के साथ संगोली रायन्ना की भी बात, लेकिन कहीं तो टीपू सुल्तान को भूलते हुए नजर आ रहे हैं, टीपू सुल्तान शहीद को याद नहीं किया जाता, इस पर क्या कहेंगे सर? क्या प्रादेशिक रूमर्स बनाए उसका, उसके हिसाब से अभी मैसूर गया तो टीपू का टीपू उत्सव नहीं मनाया जाता ना, उत्सव का बता रहे, क्योंकि यहाँ चन्नम्मा का जो कुछ रूल किया गया है इसीलिए इधर बनाते हैं। फिलहाल ब्रिटिश और किसी का साथ हुआ तो उन लोगों को याद करना है। नहीं, जहाँ कहीं पर भी जिस तरह से रानी चन्नम्मा को याद किया जाता है, संगोली रायन्ना को याद किया जाता है, दूसरे मुजाहिद आजादी है उन्हें याद किया जाता है, लेकिन कहीं तो भी संघ परिवार के दबाव में कहीं बैकफुट पर तो नहीं है कांग्रेस? ऐसा तो कुछ नहीं है, अभी फिलहाल हमारा सरकार में तो सबका उत्सव मनाते जा रहे हैं, किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, जो कुछ डिफरेंट कम्युनिटीज के भी डिफरेंट धर्म के भी है, उन लोगों का सबको लेके जाने का ही रहा है। टीपू सुल्तान उत्सव मनाया जाए, आज से आपकी कोशिशें रहेंगी? डेफिनेटली, से हमारा देश के लिए कोई इंतजार तो उसको याद करने हमारा फर्ज है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी बाबा साहब पाटिल ने एमएलए साहब ने बताया कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को भी याद करना चाहिए, उन्हीं के नाम से एक उत्सव भी मनाना चाहिए, वो भी आगे बात करें किस तरह की बात कही जा रही है। बहरहाल जो भी हो, आप पीछे देख सकते हैं कि 200 साल मुकम्मल होने पर यहाँ पर जश्न रखा गया था, इसी तरह से दिगर मुजाहिद आजादियों को भी याद किया जाता है, लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को याद नहीं किया जाता। अभी हाल ही में दशहरा हुआ, लेकिन दशहरा मैसूर में होने के बावजूद भी
वहां उनकी एक भी तस्वीर कहीं पर नहीं लगाई गई। तो इससे यही पता चलता है कि कांग्रेस भी कहीं आरएसएस बजरंगदल या संघ परिवार के दबाव में अपने फैसले बदलते हुए नजर आ रही है। उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरह से कित्तूर उत्सव मनाया गया उसी तरह से टीपू सुल्तान का उत्सव भी मनाया जाए। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।